Hey, excuse me, brother. हाँ जी बोलिए. Can you tell me where is Taj Mahal? I'm from come Italy and want to visit Taj Mahal. भैया आपने क्या बोला समझ में नहीं आ रहा, पर आप इटली की बात करो, इटली डोसा ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा. पास में ही एक ढाबा है, रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पर ना आपको इडली डोसा सांबर सब मिल जाएगा. ठीक है. नो रेस्टोरेंट, आई वॉन्ट टू विजिट ताज महल वेयर इट इज यू नो. भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो. आप ना मुझे माफ कीजिए, मेरे को जाने दीजिए. अलविदा. नो प्लीज. तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे एक फॉरनर जो कम्युनिकेट करना चाहता है बट उसे हिंदी नहीं आती, और दूसरी साइड जिसे हिंदी आती बट इंग्लिश नहीं आती, तो इन दोनों के बीच में जो लैंग्वेज बैरियर है वो खड़ा हो जाता है और कम्युनिकेशन नहीं हो पाता. और जो भी होता है थोड़ा कम्युनिकेशन वो गलत इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे वो इडली डोसा सांभर वड़ा, तो आप समझ सकते हो. और ऐसे क्या होता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं लोग. तो देखिए इस सबसे बड़े गैप को आर्ट के द्वारा कैसे फिल किया जाता है, कम्युनिकेशन गैप. लेट्स सी. एक्सक्यूज मी ब्रदर. हाँ जी. कैन यू टेल मी वेयर इज ताज महल? आई वांट टू विजिट इट. आई एम फ्रॉम इटली एंड वांट टू विजिट इट. भैया देखिए आपका समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, पर मेरे को ना एक शब्द समझ में आया, आप इडली डोसा. आप ना इडली डोसा ना आपको यहाँ पे पास में ढाबा भी है, रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे जाके इडली डोसा सांबर जो भी साउथ इंडियन है ना वो खा लीजिए आप. ठीक है. नो रेस्टोरेंट. लेट मी शो यू, लेट मी टेल यू वेयर इट इज. यस यस या यू कैन सी दिस. आई वांट टू गो दिस प्लेस. दिस इज फाउंटेन एंड यू नो दैट ये ताज महल यू नो इज मेड बाय शाहजहां. यू नो आई वांट टू गो देयर. And can you tell me where it is, brother? Where it is? अच्छा, ताज महल. Yes, brother, this. अरे ये ताज महल ना आगरा के अंदर है. आगरा आपको जाना है ना ताज महल, तो मैं समझ गया. आप ना यहाँ से आप ना दिल्ली में खड़ो, दिल्ली आपको यहाँ से बस भी मिलेगी, ट्रेन भी मिलेगी और टैक्सी भी. इन तीनों में से आप सीधा आगरा जाओगे. आगरा पहले कहाँ पे जाओगे? ओके आगरा के अंदर है ये जो ताजमहल है ना जो आपने बनाया अभी, इसी के अंदर है ये. आगरा के अंदर है ताजमहल. ठीक है. सो थैंक यू सो मच अबाउट टेलिंग द आगरा वेयर इट इज एंड थैंक यू सो मच. अरे भैया ये तो हमारा सौभाग्य है, और आपकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है. तो आपने देखा यहाँ पे कि कैसे लैंग्वेज के ना आने के बावजूद भी वो दोनों कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ आर्ट. मैं यहाँ पे विजुअल लिटरेसी का शब्द यूज करूंगा, आप विजुअल कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो गैप था लैंग्वेज बैरियर थे वो जो गैप था वो फिल कर दिया गया है कम्युनिकेशन का थ्रू यूजिंग आर्ट. ठीक है. यहाँ पे उसने यानी ड्रॉ करा और बता दिया कि मेरे को कहाँ जाना है, उसको समझ के उसने बता दिया कि आप कैसे जा सकते हो बाय टेकिंग टैक्सी बस और रेल. ठीक है. उसने अच्छे से फिर बताया एक्सप्लेन करके. तो ये जो कम्युनिकेशन गैप था वो कैसे फिल हो गया, आप देख सकते हो कि जो विजुअल अपीलिंग होता है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. आपको पता है एक बहुत मशहूर कोट है जॉन बर्ग का, जिसमें वो कहते हैं साइट कम्स बिफोर वर्ड्स. ठीक है. शब्द हमेशा बाद में आते हैं, जो हम देखते हैं वो पहले आते हैं. आपको पता है जो हम बचपन की स्टेज में थे, आपको याद होगा कि बड़ा बड़ा जो तस्वीर दिखाया जाता था हमें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इसको लड़का है, ये इसको बॉय है, तो आ से अनार, आ से आम, ये क्या था, बड़ी बड़ी शेप दिखाकर, इमेज दिखाकर रिकॉग्नाइज कराया जाता था कि आम ऐसा दिखता है, लर्न कराया जाता था. ठीक है. तो जो विजुअल की लर्निंग प्रोसेस है ना वो सबसे ज़्यादा होती है. इवन आपको कोई लैंग्वेज आए ना आए, आप विजुअली किसी को भी समझा सकते हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो. दैट्स द आर्टिस्ट डू इजीली. ठीक है. तो आपने समझ लिया कि हम बचपन से कैसे यानी लर्न करते आ रहे हैं थ्रू विजुअल. इवन टूडे हम आज भी विजुअली जो लर्न करते हैं ना बहुत ज़्यादा करते हैं. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, इंटरनेट, ये क्या है, सारा ना इमेजेस, ड्राइंग, इलस्ट्रेशन, पेंटिंग, इन सबसे भरा पड़ा है. ठीक है. ये भरा पड़ा है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि सबको पता है जो हम विजुअली लर्न करते हैं ना किसी चीज़ को, वो उसका इम्पैक्ट गहरा होता है.
हम चीजों को जल्दी से रिकॉग्नाइज करते हैं, इसी को विजुअल लिटरेसी कहूंगा मैं, और ये विजुअल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है इसको। तो आपको पता चल गया, तो जो हमारे रीडर्स होते हैं ना वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इवन देखिए, किसी अखबार में बड़ी बड़ी सी फोटो छपी है कि दो हीरो हीरोइन ने शादी कर ली, ठीक है। तो जिसको हिंदी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, जो अखबार नहीं पढ़ सकता, वो उस फोटो को देखकर ना समझ जाएगा, वो उसकी लैंग्वेज समझ जाएगा कि इन दोनों की शादी हो गई है, ठीक है। तो ये विजुअल लैंग्वेज, जो विजुअल लिटरेसी है ना, वो आप किसी से भी कम्युनिकेट में यूज कर सकते हो। इवन आपको पता होगा, जैसे आप आजकल फेसबुक, व्हाट्सअप, इस पे इमोटिकॉन्स होते हैं वो यूज करते हो, रोने का, हंसने का, ये सारे इमोशंस होते हैं जो आप यूज करते हो टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो जो विजुअल लैंग्वेज है ना, वो हमेशा वर्ड से बहुत ऊपर होती है। सो यही था मेरा मैसेज, मैंने बताने की पूरी कोशिश करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, केशव दिस साइड, एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।